चौथा भाग आसमान में परस्तेश। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगी की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है और उस तख्त के गिर्द जमुरत की सी एक धनक मालूम होती है और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गर्जे पैदा होती है और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बिलोर की मानिंद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्द-गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिंद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानिंद है और इन चारों जानदारों के 6-6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस कदूस कदूस, खुदावंद खुदा कादर मुतलिक जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुलाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुलाबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई।